हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। आज जो बोलते हैं ना भाई, स्टॉक की बात की जाए ना, तो आज बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉक ला गए हैं। बहुत सारी गाड़ियों इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आज एक छत के नीचे कम से कम 250 से 300 गाड़ी को कलेक्शन हम लोग लेकर आ गए हैं। अगर डीलरशिप की बात करते हैं भाई, तो हर बार की तरह हम लोग फिर से आ चुके हैं ट्रू वैल्यू की मेन यार्ड, जहाँ आप सभी को आज दिखाने वाला हूँ भाई। वो हर गाड़ी मिलेगी जो आप लोगों का कमेंट होता है, जो आप लोग डिमांड करते हैं भाई, तो वो हर गाड़ी मिलेगी जो भाइयों का कमेंट होता है। बाकी चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते हैं। बाकी देखिए हम लोग आज दिखाते हैं बहुत सारा गाड़ी, डिटेल वगैरह सारा कुछ लेंगे, नाम ट्रांसफ़र कैसे होता है, इंश्योरेंस सारा कुछ हम लोग डिटेल ले लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको समझ में आएगा और आप ले पाइएगा। तो चलिए मिलेंगे परमानंद जी से और जानते हैं क्या कुछ डिटेल होगा, सारा कुछ सारी गाड़ियों की डिटेल देंगे। क्या लगे सब ठीक है भैया? ठीक है, दिन के बाद आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। और होली धमाका भी लाए हैं क्या? धमाका ऑफर सब मिलेगा और आपके सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल कुछ मिलेगा, स्पेशल जैसे चाय कॉफी के साथ डिस्काउंट स्पेशल मिल जाएगा। चलिए एड्रेस बताइए भैया, कहाँ पे अभी हम लोग है? देखिए हम लोग तो अभी प्रेमसंस के ट्रू वैल्यू के मेन ब्रांच का यार्ड में है, जो इंदिरा नगर यार्ड है, बट नियरेस्ट सीएन होंडा है और सीएम हाउस है, बगल में ही है सीएम हाउस और सीएम। ये बिल्डिंग भी देख लीजिए, ये बिल्डिंग से तो प्रॉपर पता चल ही जाएगा, इसी के जस्ट पीछे में है, लेकिन बगल में राम मंदिर भी है, राम मंदिर भी है। तो भैया आज कौन कौन सी गाड़ी हम लोग दिखाने वाले हैं भाइयों को? देखिए आज जो गाड़ी दिखाएंगे ना, पूरा न्यू ब्रांड गाड़ी दिखाएंगे, न्यू ब्रांड हम लोग। बाकी फाइनेंस वगैरह के बारे में हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। चलिए भैया, गाड़ियों की कलेक्शन बहुत ज्यादा है तो हम लोग शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करते हैं क्या? चलिए पोलो, पोलो ठीक है। हाँ, जो पोलो है 2012 की मॉडल है और ये सेकंड ओनर गाड़ी है और आपका 88,000 चली हुई गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट में। तो इस गाड़ी का रेट भी जेन्युइन रखे हुए हैं, बट गाड़ी कंडीशन में है, सेडान लुक की गाड़ी है। इंटीरियर वगैरह फ्रेश मिलेगा? इंटीरियर भी फ्रेश है। तो भाई इंटीरियर देखिए फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। गाड़ी में ले जाने के बाद एक चीज़ फिर से हम लोग पूछना चाह रहे हैं भैया, कोई ऐसा नहीं ना कि गाड़ी यहाँ से ले जाने के बाद सीधे गैरेज जाना पड़ेगा? नहीं भैया, ये चीज़ का तो हम दावा करते हैं कि ये गैरेज जाने की नौबत नहीं आएगी। आस्किंग बताइए भैया, क्या आस्किंग कोट की जा रही है? इस गाड़ी का रेट रखे हुए 2,17,000। 2,17,000? हाँ। तो भाई 2,17,000 दीजिए, पोलो ले जाइए, बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है 2012 की, मतलब फाइनेंस भी हो जाएगी। हाँ, फाइनेंस हो जाएगी। कितना परसेंट कम से कम हो जाएगी भैया इसमें आपको 50% डाउन पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो मोटा मोटी 1,00,000 के आसपास। हाँ। दीजिए, पोलो ले जाइए। कौन सी है अगली गाड़ी? है एस्प्रेसो, और एस्प्रेसो की ये आपका सबसे टॉप मॉडल गाड़ी है। सबसे टॉप एंड ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक नहीं है, VXI है आपका, VXI प्लस है, मैनुअल में ही है। VXI प्लस मैनुअल में ही है। क्या डिटेल्स होगी भैया गाड़ी की? ये 2021 की मॉडल है, 39,000 चली हुई गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है पेट्रोल में, और ये आपका ब्रेजा शेप की लुक है, मिनी ब्रेजा बोल सकते हैं, मिनी ब्रेजा बोल सकते हैं। और भाई छोटी गाड़ियों में पसंद की जाती है, क्योंकि जिनका छोटा फैमिली है तो भाई आराम से ले जा सकते हैं। ये टाउन में भी चलाइए, कोई तरह दिक्कत नहीं, छोटी गाड़ी कहीं भी आप पार्किंग कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। रांची नंबर गाड़ी है। गाड़ी में डेंट पेंट हुआ है क्या भैया? गाड़ी में डेंट पेंट कहीं से नहीं हुआ, ओरिजिनल पेंट है, करना पड़ेगा तो ये बम्पर करना पड़ेगा, फुल ओरिजिनल पेंट। आस्किंग बताइए भैया, क्या आस्किंग कोट? इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस रखा है 4,00,000। 4,00,000? तो भाई 4,00,000 में एस्प्रेसो ले सकते हैं 2021 मॉडल, सबसे टॉप एंड। अगली कार हमारे पास भैया? देखिए अगली कार है इग्निस के डेल्टा मॉडल, वो भी डीजल में, बहुत कम आती है डीजल में इग्निस। डीजल में है? हाँ, ये भाई तो माइलेज भी अच्छा देती है और बहुत कम ही आती है डीजल में। तो ये आपका 2017 की मॉडल है, डेल्टा है मॉडल, डेल्टा जो 2017 की है, और गाड़ी पूरा फ्रेश है, फ्रेश कंडीशन में। ले जाने के बाद कोई 1 रुपया खर्च नहीं, गाड़ी में कोई तरह के खर्च नहीं। इंटीरियर देखिए, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है इसमें? इंटीरियर देखिए, इस लाइन में जितना भी गाड़ी है सब वॉश करके रखा हुआ, फिर जब डिलीवर होगा तो उस तरह रेडी करके मिलेगा। देखिए वहाँ पे रेडी करके ये है, वो डिलीवरी के लिए है भैया। ओनर भैया? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और नंबर भी देखिए भाई, हजारीबाग नंबर है और 5151 नंबर है, VIP नंबर भी आपको मिलता है इग्निस में भी। भैया कोई खर्च इसमें, कोई तरह की खर्च, मतलब प्रॉपर ये गाड़ी खड़ा कर दिया गया है भैया, आप आइए सेम डे में भी ले जा सकते हैं। सेम डे अगर कैश में लेते हैं तो उनके लिए सेम डे भी ऑप्शन है, और फाइनेंस में तो फिर फाइनेंस से भी थोड़ा सा अप्रूवल वगैरह आता है, उसके बाद दिया जाता है। ओनर भैया फर्स्ट होगा? फर्स्ट ओनर। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस भी वैलिड है। आस्किंग बताइए, इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस रखा है राउंड फिगर आपका 4,00,000, बट ये गाड़ी का रेट है 4,32,000, लेकिन आपको राउंड फिगर 4,00,000 में मिल जाएगा। होली ऑफर? हाँ
अगली गाड़ी है इग्निस, ये पेट्रोल में है। ये पेट्रोल में है, मतलब पेट्रोल में है, डेल्टा मॉडल है, कंडीशन अच्छी है। डेल्टा कौन चली है? डेल्टा मतलब ये VXI समझ सकते हैं, VXI मॉडल और अल्फा हो गया सबसे टॉप मॉडल, जैसे ZXI प्लस। बिल्कुल, तो उसी तरह का ये आपका डेल्टा मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2018 की, 59,000 चली हुई है। और इस गाड़ी का रेट भी जेन्युइन रखे हुए है। रेट भी जेन्युइन है, इंटीरियर देखिए। हाँ, इंटीरियर पहले देख लीजिए, लेकिन रेट इसका जेन्युइन रखे हैं, जो फाइनेंस आपका 1,00,000 में भी हो जाएगा। 1,00,000 में भी? ऐसा क्यों भैया? इनके इस गाड़ी का IDV वैल्यू अधिक है। IDV वैल्यू ज़्यादा है भाई, तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट में मिल सकता है। भैया आस्किंग बताइए, क्या आस्किंग कोड की जा रही है इस गाड़ी का? आस्किंग कोड किया हुआ है 4,50,000। 4,50,000, बाकी आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये दीजिए, गाड़ी आपको फाइनेंस हो जाएगी, है ना भैया? अगली कार है स्विफ्ट, जो डीजल वेरिएंट में। डीजल में है? डीजल का कमेंट आता है भैया थोड़ा। डीजल चाहिए चाहिए लोगों को, माइलेज मिलता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बुकिंग में जाते हैं पेट्रोल में तो पोसा नहीं पड़ता, बोला जाता है कि पोसा नहीं पड़ पाता, लेकिन इसमें आपका कहीं भी कम बजट में भी बुकिंग जा रहे हैं तो मेंटेन हो जाता है। कब की गाड़ी है भैया ये? 2014 की है, 43,000 चला हुआ है, मतलब ये आपका 50,000-60,000 चली हुई है। अच्छा, बाकी अलॉय वगैरह लगा दिया गया भैया? टॉप मॉडल बना दिया गया क्या? ये टॉप मॉडल बनाया हुआ है ऑफ मार्केट से, ऑफ मार्केट में, चारों टायर नई कंडीशन में। भैया आस्किंग बताइए, क्या आस्किंग कोट की जा रही है? आस्किंग प्राइस रखे 3,48,000, आपके लिए थोड़ा बहुत और जगह बनेगी आपके सब्सक्राइब। फिर से स्विफ्ट लेके आ गए हैं? स्विफ्ट, ये भी गाड़ी डीजल में। ये भी कितना डीजल में आज दिखा रहे हैं हम लोग? डीजल दो ही दिखाएंगे, दो ही तीन दिखाएंगे, बाकी पेट्रोल दिखा देंगे, पेट्रोल दिखाएंगे। बताइए डीजल भैया, ये डीजल वेरिएंट की जो गाड़ी है 2013 की मॉडल है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है और गाड़ी मेंटेन में है। देखिए गाड़ी तो होती ही है लेकिन मेंटेन बहुत कम होती है, लेकिन ये मेंटेन गाड़ी है और फ्रेश कंडीशन में, तो इंटीरियर भी देख लीजिए क्या कंडीशन है। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह मिलता है? पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, इसमें एयरबैग नहीं आएगा, एयरबैग नहीं आएगा। बाकी देखिए फ्रेश कंडीशन में रखा गया, डेंट पेंट भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है क्या? वो तो कॉमन सी है, बम्पर टचअप कॉमन सी। डीजल गाड़ी है भाई, चलती है थोड़ा सा। बताइए भैया आस्किंग क्या कोट की जा रही है इस गाड़ी का? आस्किंग कोट किए हुए हैं 3,33,000। इस गाड़ी का बहुत डिमांड है भैया, इको। इस गाड़ी का डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, जब से ओमनी बंद हो गया तब से। तो ये गाड़ी है इको, जो 2019 की मॉडल है और चली हुई है 59,000। गाड़ी फ्रेश है, जो भी कमी पैसी है वो ठीक करके मिलेगा, जैसे लगे कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए वो करके देंगे, लेकिन गाड़ी फ्रेश है और वारंटी सर्विस भी प्रोवाइड होगा। कितना चला हुआ गाड़ी में? ये चला हुआ 59,000। 2021 मॉडल गाड़ी है, 59 चला हुआ, नहीं 19 का, 19 गाड़ी है, रांची नंबर गाड़ी है। गाड़ी में कोई खर्च वगैरह भैया? इसमें इस गाड़ी में कोई खर्च नहीं है, आने के बाद सीधे ले जाना है। हाँ, आप अपने सेटिस्फाइड पर्सन को भी लेते हैं, दिखा के आप टेस्ट ड्राइव करके डिसाइड कीजिए। भैया कितना सीटर पासिंग है गाड़ी? ये आपका 5 सीटर पासिंग है, बाकी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, आस्किंग बताइए भैया। इस गाड़ी का प्राइस रखे 4,17,000, लेकिन अगर हम इस गाड़ी को नेगोशिएबल करके रखते हैं तो वहाँ से फिर शुरू हो जाता है, इसलिए हम इस गाड़ी का 4,17,000 रखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होली ऑफर में मिल जाएगा। अगली कार भैया फिर से इको? हाँ, अगली कार है इको, और इको में न्यू ब्रांड, हमने वीडियो में पहले ही बोल चुके थे कि हम ब्रांड टाइप में ही दिखाएंगे, न्यू ब्रांड टाइप में गाड़ी। तो ये मात्र 4,000 चली हुई गाड़ी, ओनली 4,000। हाँ भाई 4,000 चली हुई, 2022 मॉडल है गाड़ी, 2022 लास्ट की गाड़ी भाई, लास्ट की गाड़ी है, मतलब 23 बोल लीजिए, 22 बोल लीजिए, क्या डिटेल्स होगी भैया? ये आपका 2022 की है, एसी है, 2 एयरबैग्स के साथ है और 7 सीटर पास किया हुआ, 7 सीटर पासिंग है। हाँ, ये गाड़ी रांची नंबर गाड़ी भी है, डेंट पेंट तो ओरिजिनल गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट में फुल एसेसरीज लगी हुई, फुल एसेसरीज लगा हुआ है। गाड़ी में ले जाने के बाद भैया कुछ? गाड़ी में 1 रुपया का खर्च नहीं होगा, न्यू ब्रांड गाड़ी है, स्टेपनी अनयूज्ड है, ट्रैफिक कंडीशन सब तो देख ही लिए, फुली एसेसरीज भी लगी हुई। आस्किंग बताइए भैया क्या? इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस रखे 5,05,000, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत जगह बनना ही बनना है, जो होली का त्यौहार चल रहा है तो वो ऑफर भी साथ में मिलेगा, चाय कॉफी के साथ, चाय कॉफी के साथ सारा कुछ हो जाएगा। और बलेनो, हाँ बलेनो, ये कौन सा कलर है भैया? बहुत अच्छा कलर लग रहा है, देखिए जो कलर दिख रहा है ना, ये ग्रे मेटालिक बोल सकते हैं, ग्रे मेटालिक है, बट ये शाइनिंग आने के पीछे रीजन है कि थोड़ा डेंट पेंट किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। डिटेल्स क्या होगी भैया इसकी? ये बलेनो की है, डेल्टा मॉडल है और डेल्टा में पेट्रोल है, जो 2018 की मॉडल है। 18 कितना चला हुआ गाड़ी में? ये चला हुआ, देखिए जो हमारे पास रहता है वो जेन्युइन रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहता है, पहले भी बोले हैं अभी भी बोल रहे हैं, ये 1,72,000 चला हुआ है। 1,72,000, हाँ। पेट्रोल डीजल भैया? ये आपका पेट्रोल में, पेट्रोल में। इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है भैया इसमें?
ओके है, मतलब पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ मिलेगा। देखिए इंटीरियर आपको दिख रहा होगा, बाकी भैया डेंट पेंट तो थोड़ा बहुत हुआ है ना? हाँ, डेंट पेंट तो कॉमन सी है, डेंट पेंट किया हुआ है, स्क्रैचेज होने पे करना भी पड़ता है। आस्किंग बताइए भैया, इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस रखे हैं वैगनार के बराबर में। वैगनार मतलब कितने में दीजिएगा ये आपको? 4,29,000 में। 4,29? तो भाई 4,29 दे, बाकी यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत हो जाएगा ना भैया? हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक, अगली कार भैया फिर से हम लोग के पास बलेनो। ये बलेनो है और बलेनो का ये डेल्टा मॉडल है। ओके, जो 2021 की गाड़ी है। और गाड़ी तो फ्रेश है, वेल मेंटेन में भी है, और रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, ओरिजिनल कलर में भी। ओरिजिनल कलर में गाड़ी लेने के बाद कुछ खर्च वगैरह करना पड़ेगा? कोई तरह की खर्च? पेट्रोल डीजल? ये आपका पेट्रोल वेरिएंट में है और ये कम चली हुई गाड़ी है, 34,000 चली हुई गाड़ी है। सिंगल ओनर? सिंगल ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। बाकी देखिए इंटीरियर भी आप लोग को दिखाते हैं, इंटीरियर भी देखिएगा तो बहुत अच्छा कंडीशन है आपका। देखिए इनबिल्ट सारी चीज है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब मिल जाती है, और लेदर की सीट कवर, ये सब लगी हुई सारा कुछ है ना। बाकी चलिए अब बताइए भैया आस्किंग क्या कोट की जा रही है वो बताइए। इस गाड़ी का आस्किंग कोट किए हुए हैं 6,19,000। 6,19? तो भाई 6,19 दीजिए, बलेनो ले जाइए, डेल्टा ना भैया? हाँ डेल्टा मॉडल। गाड़ी तो हम लोग सारा कुछ दिखाए, अब बताइए फाइनेंस वगैरह कराते हैं ना? हाँ फाइनेंस सुविधा है और मल्टी ऑप्शन के साथ है। कहाँ कहाँ कराते हैं भैया? जैसे फाइनेंस तो ऑल ओवर झारखंड अवेलेबल है, और अदर स्टेट से कोई कस्टमर देख रहे हैं तो उनके लिए फाइनेंस अवेलेबल है, लेकिन कंपनी में यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल कम है, क्योंकि टाइम टेकन काफ़ी ज़्यादा हो जाता बिल्कुल है। तो इसके चलते बाहर के कस्टमर जितना भी आते हैं वो कैश में ही लेने का कोशिश कीजिए, फाइनेंस नहीं के बराबर है। तो झारखंड में ऑल ओवर झारखंड अवेलेबल है, इजी वे में है, वो भी मल्टी ऑप्शन के साथ, जैसे में महिंद्रा, यस बैंक, इंडसइंड और भी कंपनी है जो प्राइवेट फाइनेंस करती है। बाकी चलिए भैया करते हैं वीडियो समाप्त। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है भैया? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए जिससे, और नोटिफिकेशन दबाइएगा तो अपडेट हमेशा मिलते रहे।